हेलो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं किसान भाइयों हमें दशरथ घास लगा रहे हैं। तो ये बकरियों के लिए अच्छा रहता है और जो काऊ पालन करते हैं, गाय भैंस पालते हैं, उसके लिए भी अच्छा है। तो काफ़ी अच्छा रहता है, पौष्टिक रहता है खाने में चारा। तो इसका स्टॉम्प कैसा बनाना है देख सकते हैं। स्टॉम्प बनाया है तो हमने किस तरह से कैंची से कट कर लिया देख सकते हैं। जैसा भी ये इतना हिस्सा नीचे मिट्टी में जाएगा और इतना ऊपर रखना है आपको, इतना मिट्टी में जाएगा और ये ऊपर रखना है। तो इस हिसाब से आपको कट कर लेना है। जैसा भी ये स्टॉम्प है तो इसको इस जगह से कट करेंगे, इतना मिट्टी में जाएगा और ये जो है इसकी आँखें रहती हैं ये ऊपर रखना है और यहाँ से इसको कट कर देना है। तो ये एक आँखें का ये काम रहता है। अभी ये दूसरा आँखी है तो इसको यहाँ से कट कर देना है और ये इतना ऊपर रहना चाहिए, इसको यहाँ से कट कर देना है। दोनों स्टॉम्प के बीच में से कट कर देना है, एक स्टॉम्प छोड़ के। तो उस तरह से इसको पूरा हमने वैसा कटिंग किया है देख सकते हैं। ये स्टॉम्प बीच में छोड़ दिया, नीचे कट कर दिया और नीचे कट कर दिया, इतना ये मिट्टी में चल धस जाएगा ऐसा। आप आड़ा भी लगा सकते हैं और खड़ा भी लगा सकते हैं। खड़ा लगाने में जब आप इसे कटाई करते हो तो ये जो आपका कटाई का साधन रहता है उसके साथ में, खुरपी के साथ में, दरीते के साथ में ये उपट के आ जाता है। इसके लिए आड़ा भी लगा सकते हैं, खड़ा भी लगा सकते हैं। तो आपके हिसाब से आप इसे, और गीली जब मिट्टी रहे, जब इसका कटाई ना करें, क्योंकि ये नीचे से रूट के साथ में निकल के आ जाता है। तो इसकी वजह से गीली मिट्टी में से कटाई से बचे इसको दोस्तों। तो अभी इसको इस तरह आप देख सकते हैं। अभी ये कैंची ले लिया मैंने, इसको धारदार कैंची होना, ये कैंची ले लिया। अभी इसको कट करेंगे देखो। अभी तो ये इसका हिस्सा कुछ काम करें अपना, और ये आँखी है तो इसके इसको कट कर लिए, इस तरह इसको कट कर लेना है। ये देख सकते हैं इस तरह इसको, ये रूट को कट करके लगा देना है दोस्तों। अब ये कोर्शन नीचे आएगा, ये रूट्स देख रहे, और इसको उल्टा सुधा कैसा पहचानेंगे तो ये रूट्स ऊपर की ओर निकले हुए रहते हैं इसके, तो इस पे से ये समझ में आ जाता है। जैसा अभी ये रूट्स देख सकते हैं, ये ऊपर की ओर पान निकले हुए रहते हैं इसके, तो ये समझ में आ जाता है उल्टा सीधी स्टॉम्प किस किस तरह से लगाना है। तो ये अभी पूरा उसी का प्रोसीजर चल रहा है। और इसको ये बागी का ऊपर का हिस्सा जो काम का नहीं है वो हम खाने के लिए बकरियों के लिए डाल देंगे। तो इस तरह ये स्टॉम्प बना रहे, उधर लगाने जा रहे हैं स्टॉम्प, वो भी दिखाएंगे लगाते वक्त। और अभी ये हमने इसमें कट कर दिया है।